भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के खिलाफ 5 जनवरी को गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन को सभी पंचायत समिति को सशरीर हाजिर कर उनसे हस्ताक्षर लेने और इसके बाद अग्रतर कार्रवाई किए जाने की दिशा निर्देश दिया, जिसके बाद आज गोपालपुर प्रखंड के 11 पंचायत समिति रागिनी देवी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जिलाधिकारी के सामने सशरीर हाजिर होकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपना अपना हस्ताक्षर किए। इस दौरान गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल डीएम कार्यालय पहुंचे और पंचायत समिति सदस्यों से मुलाकात की। वहीं गोपालपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौधरी ने बताया कि गोपालपुर के प्रखंड प्रमुख रिंकी देवी के मनमाने रवैये के कारण सभी पंचायत समिति सदस्य आक्रोशित हैं और उनके खिलाफ 5 जनवरी को ही गोपालपुर प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रखंड प्रमुख हाई कोर्ट में गलत हलफनामा दायर करके यह बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर फर्जी है, जिसको लेकर सभी पंचायत समिति जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहीं गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि प्रखंड प्रमुख और उनके पति पंचायत समिति सदस्यों के साथ गाली गलौज करते हैं, जिससे पंचायत समिति सदस्य काफी गुस्से में हैं। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गोपालपुर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रखंड प्रमुख हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किया था, जिसके बाद हाई कोर्ट का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ उस आधार पर वह काम कर रहे हैं। आज 11 पंचायत समिति सदस्य हमारे पास सशरीर हाजिर हुए। हम आपको बता दें कि गोपालपुर प्रखंड में कुल 12 पंचायत समिति है और प्रखंड प्रमुख छोड़कर सभी 11 पंचायत समिति आज जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। पक्ष जो है माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि जिला पदाधिकारी सभी सदस्यों को बुला करके अपने सामने में हस्ताक्षर प्राप्त कर ले, उनका पक्ष सुन ले। तो आज 11 सदस्य आए हुए थे और एक सदस्य अनुपस्थित थे, संभवतः जो पिटिशनर थे वही अनुपस्थित थे। तो उनको नोटिस करके कल हम लोगों ने बुलाया है और सभी पक्षों की बात सुन करके और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि हस्ताक्षर वगैरह प्राप्त करके इसमें मेरे स्तर से आदेश पारित किया जाना है, तो हम लोग ससमय यथाशीघ्र कर देंगे और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है, जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख पर लगाया गया है, उनके मनमानी के विरोध में सारे समिति एकत्रित हैं। डीएम साहब के यहाँ फिर उनको समय दिया गया है, पिटिशनर को आएंगे मिलेंगे, उसका तो नए प्रमुख का चुनाव होगा। कब गोपालपुर में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? उसके बाद 5 जनवरी को। उसके बाद फिर क्या हुआ जो कि डीएम के पास आना? वो प्रमुख जो थे वो हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट डीएम साहब को अधिकृत किया था कि आप कानून के अनुरूप इसका अनुपालन कराइए। उसी क्रम में सब समिति को यहाँ बुलाया गया था, आज आए थे, पुनः कल बुलाया गया पिटिशनर को। इसके बाद चुनाव का डेट होगा और नए प्रमुख का चुनाव होगा। हाँ सर, देख रहे हैं सबको, इसलिए देख रहे थे सबको, महिला सबको पहचानते नहीं है। अविश्वास एक तो उसके सामने में अविश्वास लगाया 8 आदमी ने, जैसा हमको जानकारी, हम तो इंटरेस्ट लेते नहीं छोटे चुनाव में। और उसके बाद अभी रागिनी देवी के साथ 10 पंचायत समिति है, 11 पंचायत समिति है, तो प्रमुख यही बनेगी। लेकिन यहाँ उड़ाने फुराने वाली बात होता है, वो बहुत गाली भी देता है। दिनकर जी हैं प्रमुख, वो दिनेश यादव को गाली गलौज किया, सब कुछ किया, उनकी पुतहू है पंचायत समिति सदस्य, वो बने थे, सबने बनाए थे, लेकिन बतवा ये है काम किया नहीं, एकदम अकड़ के सबसे बात करता था, किसी का फोन नहीं रिसीव करता था, ये कहानी है। और गाली गलौज भी किया आदमी को जुटाने में, भड़क गए सबको, एक हो गया रागिनी देवी के साथ। अभी वो अविश्वास लगाएंगे और फिर हटेंगे इस जगह से। भागलपुर से राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट, INDE 365।